हेलो हाय दोस्तों, भाई बहनों, आप सब लोगों को टॉप हिंदी गिटार लेसन में स्वागत है। अभी आप सोच रहे हैं मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ। लाइक दिस टाइम वी आर डूइंग समथिंग स्पेशल। हम अभी कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं। कवर सॉन्ग तो आपने बहुत सीखा, वो बहुत अच्छा भी है कवर बजाना कभी कभी, लेकिन अगर आपको आपका ओरिजिनल सॉन्ग करना करना है, थ्योरी थोड़ा इट्स रियली इम्पोर्टेंट। कवर सॉन्ग्स इट मेक्स फन, यू नो, लाइक इट मेक्स लाइफ फन। म्यूजिक कभी कभी लेसन लेसन करना, अगर आपने बहुत लेसन किया तो इट्स रियली बोरिंग। अगर आपने बहुत कवर किया एट सर्टेन पॉइंट दिस विल ऑल्सो गेट बोरिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ बजा रहे हैं लेकिन आपको मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है। ये सब माइंड में आपको, फॉर एग्जाम्पल, आपको याद है ए करूँगा, सी शार्प माइनर करूँगा, डी करूँगा, ई करूँगा, लेकिन ये कैसे हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए अभी एपिसोड वाइज, स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनर पॉइंट एंड सो ऑनवर्ड्स, एपिसोड 1, 2, 3 करके आप लोगों को मैं एक लेसन स्टार्टिंग किया है। विल अपलोड दिस एवरी मंथ वन टाइम, सो आप सो यू हैव सम टाइम टू थिंक ऑफ डूइंग लाइक समथिंग विद दिस एपिसोड 1 एंड 2 एंड सो ऑन। और मैं हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ, तो लाइक सो मेनी पीपल हैव रिक्वेस्टेड मी टू डू दिस ऑन हिंदी द लेसन, सो आई थॉट कवर में इंग्लिश में ही करूँगा, लेकिन रियल गिटार लेसन विथ थ्योरी एंड एवरीथिंग मैं ये अभी हिंदी में करने जा रहा हूँ। आई नो माई हिंदी सक्स, समस रियली रिडिक्यूलस, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग इट, सो प्लीज डोंट मेक फन ऑफ इट। सभी बिगिनर गिटारिस्ट के लिए मेरे पास एक सवाल है और मैं आंसर भी दूंगा। सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन द माइंड, म्यूजिक क्या है, व्हाट इज म्यूजिक। सिंपल डेफिनेशन में देखते हैं, सिंपल डेफिनेशन, म्यूजिक इज एन आर्ट, आर्ट ऑफ प्लेइंग विथ साउंड, इसको म्यूजिक बोलते हैं। और इसका अनदर डेफिनेशन, हियरिंग एंड लिसनिंग, रियली सिंपल। म्यूजिक इज एन आर्ट, आर्ट ऑफ प्लेइंग विथ साउंड, और इसको हम हियरिंग और लिसनिंग भी कह सकते हैं। अभी हम साउंड के बारे में देखने जा रहे हैं। टू टाइप ऑफ साउंड, एक को बोलते हैं नोट टोन पिच, ये सभी एक ही है, नोट टोन पिच, और दूसरा होता है नॉइज। नोट टोन पिच माने कि हम ये बजाते हैं ना गिटार में, कॉर्ड बजाते हैं, सोलो बजाते हैं, मेलोडी बजाते हैं, इस सब को हम नोट टोन पिच कहते हैं। और दूसरा होता है नॉइज, जिससे आपको बहुत सर दर्द होता है, इसको बोलते हैं नॉइज। सो टू टाइप ऑफ साउंड, एक को बोलते हैं नोट टोन पिच, नोट टोन पिच, और दूसरे को बोलते हैं नॉइज। आपको मैं एक फन फैक्ट देने जा रहा हूँ। हम ये गिटार तो बजाते हैं, लेकिन ये गिटार का शेप कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ, कहाँ से आया, तो ये गिटार का शेप देख रहे हैं ना आप, स्पेशली इन द एक्विस्टिक गिटार, यू नो, ये शेप कहाँ से आया। दिस शेप वॉज रियली इन्फ्लुएंस, इस शेप लड़कियों के जिसम देख के ये शेप इन्फ्लुएंस हुआ था। इट्स रियली नाइस शेप, एज यू कैन सी, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं। मैं आपको वो टू टाइप ऑफ साउंड बता रहा था, नॉइज, एक होता है नॉइज और दूसरा होता है नोट टोन पिच। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये नोट टोन पिच। अभी इसके बारे में देखते हैं। 12 टोन्स, देर आर टोटल 12 टोन्स इन एवरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। 12 टोन्स होते हैं एवरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, और ये 12 टोन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक को बोलते हैं नेचुरल, दूसरा को बोलते हैं एक्सीडेंटल। 12 टोन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, नेचुरल और एक्सीडेंटल। अभी देखते हैं ये 12 टोन्स में क्या पड़ता है, तो ए बी सी डी ई एफ जी पड़ता है। ए बी सी डी ई एफ जी, ये तो साथ ही हुआ ना, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 12 टोन्स, 12 टोन्स में पड़ता है ए बी सी डी ई एफ जी, और ये ए बी सी डी ई एफ जी को क्या बोलते हैं, म्यूजिकल अल्फाबेट्स बोलते हैं। इट्स रियली सिंपल। 12 टोन्स को डिवाइड किया है टू कैटेगोरी में, नेचुरल और एक्सीडेंटल में, और ये ए बी सी डी ई एफ जी, इसको बोलते हैं म्यूजिकल अल्फाबेट्स। अभी सम इम्पोर्टेंट टिप फॉर यू गाइज, बी और ई का शार्प नहीं होता है और एफ और सी का फ्लैट नहीं होता है, प्लीज सी दिस थिंग्स। लेकिन मैं सॉरी, आपको मैं भूल गया ये शार्प और फ्लैट के बारे में बताने के बारे में। ये साइन देख रहे हैं अभी स्क्रीन में, इसको शार्प बोलते हैं
और ये साइन आप जो देख रहे हैं इसको फ्लैट बोलते हैं. इट्स रियली इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप दिस इन माइंड. तो वंस अगेन, बी और ई का शार्प नहीं होता है, एफ और सी का फ्लैट नहीं होता है. तो म्यूजिकल अल्फाबेट्स में ए बी सी डी ई एफ जी था, 12 टोन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, नेचुरल और एक्सीडेंटल में. ये जो ए बी सी डी ई एफ जी है ना, इसको नेचुरल बोलते हैं. ए बी सी डी ई एफ जी इसको नेचुरल बोलते हैं. और उसमें 5 जो पढ़ते हैं उसमें वो 5 में ये शार्प और फ्लैट पढ़ते हैं उसको एक्सीडेंटल बोलते हैं, नेचुरल एंड एक्सीडेंटल, नेचुरल एंड एक्सीडेंटल. 12 टोन्स उसको टू पार्ट में डिवाइड किया है, नेचुरल एक्सीडेंटल. नेचुरल में पढ़ता है ए बी सी डी ई एफ जी, और शार्प ऑन फ्लैट 5 है उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल. बी और ई का शार्प नहीं होता है, एफ और सी का फ्लैट नहीं होता है. मैंने आपको वो नेचुरल 7 होते हैं, एक्सीडेंटल 5 होते हैं वो बताया था. अभी ये चार्ट देखिए, अभी आप देख रहे हैं ए, एक गैप है, उसके बाद बी आता है, बी उसके बाद सी आता है. बी और सी में गैप नहीं है, फिर सी में, सी के बाद गैप है, उसके बाद डी आता है, डी के बाद एक गैप है, उसके बाद ई आता है, एफ आता है, गैप है और जी आता है. अभी वो गैप देख रहे हैं ना, वो गैप में 5 एक्सीडेंटल नोट आते हैं. इट्स वेरी सिंपल. और मैंने आपको बताया था बी और ई का शार्प नहीं होता है, एफ और सी का फ्लैट नहीं होता है, मैंने वो आपको बताया था. 12 टोन में हमको 7 तो मालूम हो गया है, ए बी सी डी ई एफ जी इसको बोलते हैं नेचुरल. अब आपको मैं ये 5 एक्सीडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ. वो ये फिर एक डायग्राम देखिए, इसमें ए है गैप है, बी सी, सी और डी में गैप है, डी और ई में भी गैप है, ई एफ में गैप नहीं है, एफ और जी में भी गैप है. इस गैप में बसता है वो एक्सीडेंटल. एक्सीडेंटल में शार्प और फ्लैट है. आपको मैं फ्लैट नहीं बताऊंगा, सिंपली से शार्प वाइज में बताऊंगा आपको. शार्प वाइज आपको बोला था बी और ई का शार्प नहीं होता है, इसीलिए बी और सी, ई और एफ में गैप ही नहीं है, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन. ए आता है, उसके बाद ए शार्प आता है, ए का शार्प होता है, उसके बाद बी, बी का शार्प नहीं होता है, इसलिए सी आता है, सी का शार्प होता है, डी, डी का शार्प भी होता है, ई का शार्प नहीं होता है, एफ आया, एफ का शार्प भी हुआ, जी आया. ए शार्प, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, जी के बाद भी शार्प आता है, जी का भी शार्प होता है. 5 शार्प हो गए, 5 शार्प एक्सीडेंटल, 7 नेचुरल, 12 टोन. ये शार्प और फ्लैट थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, आपको मैं फिर एक बार एक्सप्लेन करूँगा. फॉर एग्जाम्पल यू प्ले ए, एक स्टेप आगे जाना इसको शार्प बोलते हैं. तो शार्प मीन्स टू गो 1 स्टेप इन द फ्रंट. ए शार्प हो गया. अभी ए शार्प का दूसरा भी नाम है, बी को एक स्टेप पीछे लगिए, इसको बोलते हैं बी फ्लैट. फ्लैट मतलब एक स्टेप बैक जाना, शार्प मतलब एक स्टेप आगे आना. तो ए शार्प और बी फ्लैट एक ही हो गया. आपको सिर्फ क्या क्या दिमाग में याद रखना है कि बी और ई का शार्प नहीं होता है, एफ और सी का फ्लैट नहीं होता है. अगर आपने ये आपको ये मालूम हो गया तो यू विल नेवर बी कन्फ्यूज विद शार्प एंड फ्लैट. ए शार्प एक स्टेप आगे आना शार्प है, फ्लैट को बोलते हैं एक स्टेप पीछे जाना. ए फ्लैट, ए का एक स्टेप आगे आना शार्प, पीछे जाना फ्लैट. ए शार्प, ए फ्लैट. अभी मैं आपको होल टोन और हाफ टोन के बारे में बताने जा रहा हूँ, इट्स रियली इम्पोर्टेंट वन. अभी ये हमने ए से ए शार्प किया था ना, इसको दूसरा टर्म से भी देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हाफ टोन. ए शार्प हमने आया था ना, ए से ए शार्प जाने को, एक स्टेप फॉरवर्ड करने को हमने बोला था शार्प होता है. अभी हम इसको दूसरे टर्म से भी देख सकते हैं, आपको मैं सिंगल नोट से दिखाता हूँ. अभी ए, ए शार्प इसको बोलते हैं, इसका दूसरा टर्म है हाफ टोन. दो टर्म्स होते हैं, होल टोन और हाफ टोन. होल टोन मतलब एक स्किप, एक नोट स्किप करके आगे जाने को, वा
पीछे जाने को। फॉर एग्जाम्पल ये जब यहाँ बजाया, ये एक टोन मिस करके हम यहाँ पे गया ना, इसको बोलते हैं होल टोन। अगर आपको हाफ टोन करना है, ए से हाफ टोन करना है तो ए, हाफ टोन बैक करना है तो ए का ए फ्लैट होता है, वरना जी शार्प होता है। जी शार्प ए फ्लैट इज द सेम, एक ही है। ए मेजर को हाफ टोन आगे करना है तो इसको बोलते हैं ए शार्प, हाफ टोन। अभी होल टोन करना है तो ए का होल टोन होता है बी। तो मतलब होल टोन मतलब आप एक नोट स्किप कर रहे हैं, आगे जाइए या पीछे जाइए, इट्स द सेम। होल टोन मतलब एक स्टेप फॉरवर्ड, ओ बैकवर्ड। ए का, ए मेजर का हाफ टोन फॉरवर्ड ए शार्प, बैक टोन जी ए फ्लैट, सॉरी जी शार्प ए फ्लैट, सिंगल सिंगल नोट, हाफ टोन फुल टोन। हमने ये बीच का एक नोट मिस किया ना, इसीलिए इसको बोलते हैं होल टोन, सॉरी नॉट फुल टोन, होल टोन, हाफ टोन होल टोन, होल टोन फॉरवर्ड हाफ टोन। अब इसको बैक भी कर सकते हैं, होल टोन बैक हाफ टोन बैक। मैं आपको अभी गिटार ट्यूनिंग के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहला इंपॉर्टेंट थिंग, तो एक ट्यूनर खरीद लीजिए प्लीज। ट्यूनर इज रियली इंपॉर्टेंट और आपको मैं अभी बताऊंगा क्यों। वन एग्जाम्पल, आप एक गाना सीखना चाहता है, सीखना चाहते हैं और आप एक फ्रेंड को पूछेंगे और कहीं पर इंटरनेट में कॉर्ड देखेंगे और वहाँ पे लिखा होगा आदत जाल बैंड सी शार्प माइनर। और अगर आपने गिटार स्टैंडर्ड में ट्यूनिंग नहीं किया तो वो कॉर्ड सी शार्प माइनर में नहीं पड़ेगा और दिस कैन मेक मोर कन्फ्यूजिंग। सो प्लीज़ ऑलवेज यूज अ ट्यूनर। मेरे पास ये टीसी का पोली ट्यून है, मैं ऑन करूँगा अब। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ नीचे पर दो बटन है, वो मैं प्रेस टुगेदर, आई प्रेस दिस थिंग। यहाँ आप दिख रहे हैं 440, दिस इज द स्टैंडर्ड हर्ट्ज, स्टैंडर्ड हर्ट्ज फॉर द ट्यूनिंग। 440 इज रियली इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस इन द ट्यूनर। एंड आफ्टर दैट यू ट्यून योर गिटार, उसके बाद हम गिटार ट्यून करेंगे। क्या पर ई स्टैंडर्ड में क्या पड़ता है? ई स्टैंडर्ड, पहले गिटार का स्ट्रिंग देखते हैं, नीचे का एक ऊपर का छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। और स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में नीचे का एक और ऊपर का छः एक ही स्केल में, एक ही नोट में ट्यून होता है, ई ई। एज यू कैन लिसन, आप सुन सकते हैं लो ई हाई ई। उसके बाद आता है बी, नंबर टू इज बी, नंबर थ्री इज जी, नंबर फोर इज डी, नंबर फाइव इज ए एंड देन ई। ई बी जी डी ए ई, ऊपर से नीचे तक ई ए डी जी डी ई। मैंने आपको बताया था 12 टाइप ऑफ टोन्स होते हैं, 7 नेचुरल होता है, 5 एक्सीडेंटल होता है, बी और ई का शार्प नहीं होता है और एफ और सी का फ्लैट नहीं होता है। अभी ये आप ये फ्रेटबोर्ड देख रहे हैं ना, ये सभी फ्रेटबोर्ड में नोट्स है। अब ये नोट्स कैसे पता लगाना है आपको, आई विल टीच यू दिस नाउ। अब ये बी और ई शार्प नहीं होता है, का नहीं होता है और एफ का सी का फ्लैट नहीं होता है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट नाउ। मैंने आपको अभी स्ट्रिंग का नाम बताया था ना, ई ए डी जी बी ई। मैं आपको अभी सिर्फ इस एपिसोड नंबर 1 में सिर्फ एक ही स्ट्रिंग का दिखाने जा रहा हूँ, एपिसोड 2 में मैं आपको सब दिखाऊंगा। नॉट टू मच लोड ऑन योर हेड, मैं स्ट्रिंग नंबर 1 का दिखाऊंगा आपको, इसको हम ई बोलते हैं। तो मैंने आपको अभी सब शार्प से देखते हैं, फ्लैट को साइड में लगा के। अगर आपको फ्लैट अच्छा लगे तो फ्लैट भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब शार्प देखते हैं। ये ई स्ट्रिंग है ना, ई के बाद क्या आता है, आपने वो चार देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था बी और ई का शार्प नहीं होता। इसके बाद क्या होता है, तो ई का शार्प नहीं होता है, आता है एफ। उसके बाद क्या आता है, एफ का शार्प होता है, अभी आता है एफ शार्प। अभी क्या है, जी, जी का भी शार्प होता है, जी शार्प। अभी क्या, अभी ए, ए का भी शार्प होता है, ए शार्प। बी, बी का शार्प नहीं होता है अभी, तो क्या है, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई,
ओपन स्ट्रिंग एंड नंबर 12 ये दिस आर द सेम लो ई हाई ई ओपन स्ट्रिंग एंड नंबर 12 आर द सेम इन एवरी स्ट्रिंग ये ओपन और 12 में सेम ही होता है सेम ही होता है सभी स्ट्रिंग में लो हाई सो वंस अगेन ये नोट ये फ्रेटबोर्ड में कैसे कैसे रहता है आपको मैं ये अब ये दिखाने जा रहा हूँ वंस अगेन ई इसके बाद ई का शार्प नहीं होता एफ एफ का शार्प होता है जी जी शार्प ए शार्प बी बी का शार्प नहीं होता सी सी शार्प डी डी शार्प ई प्लीज इसीलिए मैंने आपको बताया था बी और ई का शार्प नहीं होता एफ और सी का फ्लैट नहीं होता दिस इज रियली इंपॉर्टेंट ए बी सी डी ई एफ जी नेचुरल बोलते हैं इसको शार्प और फ्लैट को एक्सीडेंटल बोलते हैं अगर आप गिटार बजाते हैं इंटरमीडिएट लेवल में तो ये आप ये मैंने आप ये आज मैं एपिसोड 1 में जो जो सिखाया था वो आप सबको मालूम है और आपको ये बहुत बोरिंग लगेगा लेकिन जो गिटार स्टार्ट कर रहे हैं अभी उसको उस लोगों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है सो बी प्लीज पेशेंस मोर थिंग्स आर कमिंग एपिसोड नंबर 2 में बहुत आ रहा है 3 में 4 में वो ऐसे करके एंड आई एम रियली सॉरी मेरा हिंदी बहुत घटिया है इसलिए बट स्टिल प्लीज डू कीप सपोर्टिंग टॉप हिंदी गिटार लेसन एंड देन आई विल सी यू वेरी सून टिल देन टेक केयर एंड हैव फन